दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ कार्तिक स्नान की बहुत ही पौराणिक कथाएं कहने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कथाएं पसंद आए। अगर आपको ये कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप हमारी कथाओं को पसंद कर रहे हैं, और इसी तरह हमारे साथ इस सफ़र पर जुड़े रहिए और आगे इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेते रहिए। कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है और कार्तिक माह का स्नान बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक महीना शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में इसे महीने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय महीना होता है, और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं, और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। कार्तिक माह का स्नान विशेष महत्व रखता है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और फिर कथा भी पढ़नी चाहिए। तो कार्तिक मास की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसीलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियाँ दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया, और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरे आटे से छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे से मोहरे निकली, और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उससे पूछा, ब्राह्मण से पूछने लगी कि क्या आपके कोई लड़का है, और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊँ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आई। दुनिया ताने मारती थी जब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी।
इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आएं तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जल क्यों गई हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग ले, अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। यहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही तो बेटा हूँ। तब ब्राह्मण जी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़की ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकाल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधजे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर
ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहु बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय। कार्तिक स्नान में इल्ली व घुन की एक बहुत ही पौराणिक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो चलिए हम इसी का श्रवण करते हैं। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया, तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा, तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद कर ली और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया गया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती, तो वह उस गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात करके कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है, तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। यह देख वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लाता है और रानी से पूछता है कि तू बता, तू ये क्या जादू टोना कर रही है। यह सुन रानी अपनी व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाती है और बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बन गई। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक का स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलो जय जय राधे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज हमने आपके साथ कार्तिक स्नान की दो पौराणिक कथा कही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कथाएं पसंद आई। इसी प्रकार की कथाएं हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, व्रत कथाएं भी हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर आनंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।